शंकर सुमन जो बोला जा रहा है वो गलत है जी। हनुमान जी शंकर जी के पुत्र नहीं है, शंकर जी ही हनुमान है। मूल पाठ है उसका शंकर स्वयं केसरी नंदन, नोट कर से आइए जी महाराज जी। 27वीं चौपाई में सब पर राम तपस्वी राजा बोला जा रहा है जी। तपस्वी राजा नहीं, सब पर राम राय सिर ताजा। 32वें में राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा नहीं है वो जी। सादर हो रघुपति के दासा। 38वीं चौपाई है जो सतबार पाठ कर कोई नहीं पाठे, यह सतबार पाठ कर जुई छूटे बंदी महासुख हुई। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य का कहना है कि हनुमान चालीसा का गलत पाठ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ चौपाइयों में गलतियां हैं, इन अशुद्धियों को ठीक किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि पब्लिशिंग की वजह से लोग गलत शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। कथावाचक राम भद्राचार्य 3 अप्रैल से आगरा में है। इस दौरान उन्होंने 4 अशुद्धियों के बारे में बताया। पद्म विभूषण राम भद्राचार्य ने कहा कि हनुमान चालीसा की एक चौपाई है शंकर सुमन केसरी नंदन। उन्होंने बताया कि हनुमान को शंकर का पुत्र बोला जा रहा है जो कि गलत है। शंकर स्वयं ही हनुमान है, इसलिए शंकर स्वयं केसरी नंदन ये बोला जाना चाहिए। शंकर सुमन जो बोला जा रहा है वो गलत है जी। हनुमान जी शंकर जी के पुत्र नहीं है, शंकर जी ही हनुमान है। मूल पाठ है उसका शंकर स्वयं केसरी नंदन, नोट कर से आइए जी महाराज जी। उन्होंने आगे कहा कि हनुमान चालीसा की 27वीं चौपाई बोली जा रही है सब पर राम तपस्वी राजा, जो कि गलत है। उन्होंने बताया कि तपस्वी राजा नहीं है, सही शब्द सब पर राम राज सिर ताजा है। 27वीं चौपाई में सब पर राम तपस्वी राजा बोला जा रहा है जी। तपस्वी राजा नहीं, सब पर राम राय सिर ताजा। उन्होंने बताया कि इसी तरह हनुमान चालीसा की 32वीं चौपाई में राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुवर के दासा, इसकी जगह ये बोला जाना चाहिए कि राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर रहो रघुपति के दासा। 32वें में राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा नहीं है वो जी। सादर हो रघुपति के दासा। आगे उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा की 38वीं चौपाई में लिखा है जो सतवार पाठ कर कोई, जबकि होना चाहिए यह सतवार पाठ कर जो। 38वीं चौपाई है जो सतबार पाठ कर कोई नहीं पाठे, यह सतबार पाठ कर जुई छूटे बंदी महासुख होई। आपको बता दें कि राम भद्राचार्य का कथा वाचन कोठी मीना बाजार में चल रहा है। उन्होंने कोठी मीना बाजार का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इसका नाम सीता बाजार रख दिया जाना चाहिए। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार एक बार फिर सत्ता में आएगी और सभी संत मिलकर रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराएंगे। सभी संत जन मिलकर सरकार पर दबाव बनाएंगे कि वो इस प्रस्ताव को संसद में पारित कराए। राम भद्राचार्य वही संत हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पक्ष में वेद पुराण के हवाले से गवाही दी थी। श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में वे वादी के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने ऋग्वेद की जैमनीय संहिता से उदाहरण दिए थे जिसमें सरयू नदी के स्थान विशेष से दिशा और दूरी का बिल्कुल सटीक ब्यौरा देते हुए श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई थी। कोर्ट के आदेश पर जैमनीय संहिता मंगाई गई थी और उसमें जगत गुरु द्वारा बताए गए पन्नों को खोलकर देखा गया तो सभी जानकारी सही पाई गई थी।